हैदराबादी बिरयानी और कराची की बिरयानी अब हो गई पुरानी। अब बारी है कराची में पहली दफा मटन बंगाली बिरयानी की, और हाँ चिकन बंगाली बिरयानी की भी। देसी फूड्स की न्यू ब्रांच पर आपको हमेशा की तरह कुछ ना कुछ यूनिक मिलता है। आज हम ट्राई करने जा रहे हैं इनकी बंगाली बिरयानी, जिसमें सब्जियां भी शामिल होती हैं। अब इस बिरयानी का जायका कैसा है ये आपको आगे वीडियो में बताते हैं। हम आपके लिए इस वक्त लेकर आए हैं यहाँ पे न्यू ब्रांच के अंदर स्पेशल मटन बंगाली बिरयानी। मटन बंगाली बिरयानी, मटन बंगाली बिरयानी और चिकन बंगाली बिरयानी। चिकन बंगाली बिरयानी है ना, चिकन बंगाली बिरयानी है। अच्छा, बाकी सब सिर्फ चिकन का ही फर्क है, मसाले वसाले सब सेम टू सेम है। ये भाई क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है, मुझे थोड़ा सा खत्री स्टाइल लग रहा है, कुछ है ऐसा है क्या? नहीं नहीं, बंगाली स्टाइल है, खत्री स्टाइल नहीं है भाई। मटन में आप लोग आकर खा लें तो मजा आ जाएगा। वैसे कितने की थी ये जो थी भाई? ये 500 रुपए की है। 500 रुपए की प्लेट है भाई मटन की। ये 300 रुपए की। चिकन में 300 रुपए की। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई एक दफा फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं देसी फूड्स में, लेकिन देसी फूड्स कौन सा वाला है ये? अरे वही ना, देसी फूड जिसमें हम लोग चिकन की और तुम्बो की, बकरे की, हलेंगो की, बिरयानी, मछली की सारी फोड़ चुके हैं और टाइट तरीके से। लेकिन ये जगह थोड़ी सी चेंज है। हाँ, ये पहले तो हम लोग अब्दुल्ला सेंटर ही है बेसिकली, लेकिन पहले गली में जाके था, लेकिन इनकी नई ब्रांच ओपन हो चुकी है बिल्कुल लकी वन से थोड़ा सा आगे आकर, और रोड सामने ही रोड पर ही है। लेकिन आज क्या है? आज भाई बहुत यूनिक चीज लेके आए हैं, एक और जैसे फारूक भाई हमेशा लेके आते हैं। आज है मटन बंगाली बिरयानी। क्या मुल्क से बाहर निकले? नहीं नहीं नहीं, ये भाई इन्होंने बोला हैदराबादी पुलाव वगैरह बिरयानियां बहुत हो गई, ये कह रहे हैं कि भाई आप कुछ नया लेके आते हैं, सीधा निकलो बाहर है। बंगाली मटन, मटन बंगाली मटन बिरयानी। चलो यार रहमान पे बड़ा, मेरे को तो प्योर हो रहा है कि यार कैसी तैयारी, तैयारी कैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं मेरे ख्याल इनके किचन पे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी सी मेकिंग और खाकर आपको बताते हैं क्या सीन है। आ जाओ भाई, बंगाली भाई आओ। अरे वाह भाई वाह, उस्ताद क्या है भाई ये क्या है? बंगाली मटन बिरयानी का माल है भाई ये। ओ हो, क्या बात है भाई, फुल रवाद। हाँ जबरदस्त, क्या बात है भाई, ये देखें भाई क्या जबरदस्त लग रहा है। ये बना रहे हैं मटन बंगाली बिरयानी। मटन बंगाली बिरयानी की तैयारी हो रही है भाई ये। तो ये क्या अभी क्या तैयारी है? अभी इस मसाले वगैरह डल गए हैं? अभी डलेंगे, तैयार हो गई है इसकी, मसाले पर डल चुके हैं। अरे वाह, अभी इसकी मखदूम जो सब्जियां हैं इंशाल्लाह वो डलेंगे। जबरदस्त भाई, बेहतरीन हो गया। अच्छा फरूख भाई क्या सीन है भाई, ये क्या सब्जियां हैं? क्या बंगाली बिरयानी की स्पेशल सब्जियां हैं? अच्छा, और ये इसके अंदर भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बंगाली बिरयानी की स्पेशल सब्जियां हैं ये, बेहतरीन हो गया भाई। ये एक अलग यूनिक चीज है फिर ये बिल्कुल ही। करे 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 भाई, डाले 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 आप। ये देखिए भाई, ये सब्जियां डल रही हैं भाई साथ में बिरयानी के अंदर है भाई। अस्सलाम वालेकुम फरूख भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि भाई, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से नई ब्रांच की ओपनिंग हो गई है, और नई ब्रांच के साथ सुना आपको नए फ्लेवर वगैरह भी ले आए हैं, तो क्या क्या आ गया है भाई माशाल्लाह? बिल्कुल, हम आपके लिए इस वक्त लेकर आए हैं यहाँ पे न्यू ब्रांच के अंदर स्पेशल मटन बंगाली बिरयानी। मटन बंगाली बिरयानी, मटन बंगाली बिरयानी और चिकन बंगाली बिरयानी। अच्छा, दोनों मटन और चिकन दोनों में? जी जी। यार बंगाली तो मेरे ख्याल से मछली के ज्यादा शौकीन नहीं होते थे, मछली नहीं खाते, ये बकरे का गोश्त भी खाते हैं, गाय भी खाते हैं, मुसलमान है तो हलाल चीजें सारी खाते हैं। सही है। तो क्या इसकी क्या सीन, क्या कहाँ से आइडिया आया अचानक से ये नई चीज लेके आया? बिल्कुल, हमारे बहुत सारे दोस्त बंगाली भी हैं, हमारे कुछ कारीगर हैं वो भी बंगाली हैं, हम उनसे मशवरे करते रहते हैं, तो उनसे मशवरे किए, उन्होंने कुछ तरीकेकार बताया, कुछ अपने आइडियाज, तो ये समझ लें कि ये मिक्स बिरयानी है, मतलब बंगाली मसाले में तैयार हुई है, लेकिन इसमें चावल का जो तरीकेकार है वो अपने कराची वाली बिरयानी का, क्योंकि अगर हम इसे सिर्फ बंगाली ही करते तो बंगाली तो समझ ले कि चावल मसाले गोश्त सब कुछ साथ चढ़ाते थे, खिचड़ी नुमा बिरयानी होती है। ठीक है, तो मसाले वही है लेकिन चावल जो इसमें डाले हैं आपने वो कराची स्टाइल के डाले। अच्छा, मतलब थोड़ा सा हमारा कराची का टच दिया है इसमें, ताकि यहाँ लोगों के साथ थोड़ा फ्लेवर मैच हो जाए। जी जी, 50-50। अच्छा, वैसे जो है, वैसे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद फर्स्ट टाइम ही है, ज्यादा मिलती तो नहीं है, कहीं नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिल, कराची में तो मेरे नहीं ख्याल कहीं भी मिल रही है। तो अभी क्या रेट वगैरह क्या है, थोड़ा सा सेटिंग भी बता। मटन में अगर लेते हैं तो 1600 रुपए किलो है, और चिकन में लेते हैं तो ये 900 रुपए किलो है। अच्छा, 900 रुपए किलो चल रही है चिकन में। तो अभी कौन, अभी बनी हुई है बंगाली बिरयानी? थोड़ा सा कौन सी वाली है ये जरा दिखाएंगे? मटन बंगाली, मटन बंगाली बिरयानी। अरे वाह भाई वाह। अच्छा, दिखने में तो वैसे वही थोड़ा सा बंगाली, वही वाला अपना जो हमारा कराची की बिरयानी का थोड़ा सा लुक है भाई। पाकिस्तानियों के भी दो हाथ है, बंगालियों के भी दो हाथ है, पाकिस्तानियों के भी दो पाँव है, बंगालियों के भी दो पाँव है।
लेकिन आपको कलर में भी थोड़ा 19-20 फर्क मिलेगा और लेकिन जायके के अंदर जो है बहुत ज्यादा आपको फर्क महसूस होगा इंशाल्लाह। चलें जबरदस्त। अच्छा जरा एक यहाँ की लोकेशन समझा दीजिए एक दफा जो नए आने वाले हैं। लोकेशन बहुत आसान है, अगर आप गुलशन इकबाल की तरफ से आते हैं लकी वन आएगा आपके पास, लकी वन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट पर ही लकी वन के सामने ही समझ ले हमारा देसी फूड नजर आ जाएगा। चले ठीक है, तो तैयार है ना मटन, फिर मैं और नासिर भाई अभी तैयार करने वाले हैं। तैयारी है बिल्कुल। चले रमन भाई, भाई रेडी हो गया है, अब चेक कर रहा हूँ। फरूख भाई ने कहा कि मसाले इसके जो है ना गर्मा गर्म हुए भाई, गर्म हो रहे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा तीखा ज्यादा है ऐसा लग रहा है मुझे। फरूख भाई थोड़ी तीखी होगी, थोड़ी सी। अच्छा तो भाई तैयारी तो जबरदस्त चल रही है। डाले भाई ये भी मसाले, आज सारे मसाले तुम्हें दिखाएंगे डलवाते हुए। और हालत देख रहे हो गर्मी में क्या हो रही है, सुभान अल्लाह बंगाली बिरयानी। चले फरूख भाई, तो यार बहुत टाइम हो गया मेरे ख्याल से, मेकिंग शेकिंग हो गई। ये कौन सी चिकन है ना, ये वाली? ये चिकन बंगाली बिरयानी है ना, चिकन बंगाली बिरयानी है। अच्छा बाकी सब है, सिर्फ चिकन का ही फर्क है, मसाले वसाले सब सेम टू सेम है। ये भाई क्या बात है। अच्छा थोड़ा सा फरूख भाई, मुझे थोड़ा सा खत्री स्टाइल लग रहा है, कुछ है ऐसा है? नहीं नहीं, बंगाली स्टाइल है, खत्री स्टाइल नहीं है, ये अलग ही है। ये देखिए ना, इसमें शिमला मिर्च गोभी सारी चीजें। अच्छा चले भाई, फिर खाते हैं तो फिर ये देखते हैं भाई इसका जायका कैसा है, क्योंकि सब्जियां वगैरह डलते हुए बिरयानी में मैंने पहली दफा ही देखा है। ये देखिए, ये चिकन हमारी तैयार हो गई, ये सिंगल प्लेट है। ये कितने वाली प्लेट हमारी है? ये 300 रुपए की है। 300 रुपए की है, चले ठीक है। और साथ में अब ले आए जरा वो मटन जो है बंगाली बिरयानी। ये जी मटन बंगाली बिरयानी आ गई भाई, जरा तो ये अब जरा खाते हैं, चल के खाते नहीं पहले आपको प्लेट बनते हुए दिखाते हैं। ये देखें भाई क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये हमारी अच्छा मटन वाली हमारी सिंगल प्लेट कितने की है? ये 500 रुपए की है। ये 500 रुपए की है और ये 300 रुपए की है भाई चिकन। ये भी तैयार हो गई है जी? जी ये भी तैयार। चलें जबरदस्त, अब खाते हैं भाई, इसका रिव्यू करते हैं भाई। नहीं, मटन आप खाओगे, हम खाएंगे। आप चिकन लो ना भाई, चिकन भी रखा हुआ है, मटन भी रखा हुआ है, लेकिन रखा हुआ क्या है भाई? मटन बंगाली बिरयानी, चिकन बंगाली बिरयानी, नाम ही बहुत अलग है। थोड़ा करीब लाके दिखाएं भाई, ये जरा गरम भाई, ये अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। असल में थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं पड़ेगी? चलें भाई, मोहन भाई शुरुआत कर रहे हैं भाई, तो फिर आ जाएं फिर साथ में ये खाना। तो मटन आ गया ना भाई पहले, यार ये देखिए मटन, मटन तो फुल टेंडर हुआ है, मटन तो मटन है ना यार। अब चावलों को ट्राई, अब जरा चावलों को ट्राई करें भाई साथ में। यार ये फर्स्ट टाइम अभी कराची में मुझे बंगाली बिरयानी, खास तौर पे मटन पे, मुझे तो कहीं नहीं दिखी है। बिल्कुल अभी तक तो नहीं दिखी भाई। भाई गोश्त ट्राई कर लिया था, मटन तो फिर मटन है ना यार, अब ट्राई करते हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल से पहली बिरयानी ऐसी होगी जिसमें सब्जियां भी डली हैं। हां सब्जियां, बिरयानी में सब्जियां। बिस्मिल्लाह भाई आ जाए। यार मुख्तलिफ है यार, नॉर्मल बिरयानी से जो आपकी नॉर्मल आप जो खाते हो वाली गोल्डन बिरयानी या नॉर्मल पुलाव वगैरह, उनके काफी डिफरेंट है। बीच में वेजीज जो है ना, हां समझे सब्जी जो है, हां सब्जी आ गई, ये फर्क है। हां लेकिन फ्लेवर बिरयानी के उससे फ्लेवर थोड़ा अलग है, चावल थोड़ा गीला है, तर वाला है, तर वाला है, चावल है, छोटी छोटी ये मिर्चें, हरी मिर्चें, और ये आपको ये मटन, मटन के साथ, मटन के साथ कैसे लग रहा है चावल, जरा कॉम्बिनेशन तो बना के खाएं ना जरा। मटन का मटन की लग रहा है, लेकिन ये गलती करी क्या, मटन का मटन खाली, आप चिकन 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 समझ में नहीं आएगा सीरियसली। मटन के आगे जो है ना वाकई चिकन वैसा नहीं लगेगा, तो लेकिन आ जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं फिर भी। ये देखिए भाई चिकन का, अब ये तो मुझे दे दो यार, चिकन की लेग तो दे दो भाई। आपने नीचे सही मिक्स नहीं किया भाई, मटन में आप लोग आकर खा लें तो मजा आ जाएगा। वैसे कितने की थी ये जो थी भाई? ये 500 रुपए की है, 500 रुपए की प्लेट है भाई मटन की, ये 300 रुपए की, चिकन में 300 रुपए की मटन बिरयानी भाई, बंगाली मटन बिरयानी, बंगाली मटन हमारी तरफ से तो जीती बंगाली मटन बिरयानी। आप लोग आए भाई ट्राई करें देसी फूड पे, तो वैसे ही आपको पता है कि भाई झींगा भी मिल जाएगा, बिल्कुल मछली भी मिल जाएगी। अभी थोड़ा सीजन ऑफ है तो मेरे ख्याल से ये लोगों ने नहीं रखी हुई, वैसे ऑर्डर वगैरह हो तो बनवा देते हैं। और दुम्बा पुलाव भी इनके पास मौजूद है, और इसके बाद
भाई बहुत सारी चीजें हैं और पता नहीं क्या क्या यहाँ आएंगे तो आपको मेन्यू भरपूर मिलेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और नए लोकेशन के साथ जो है ना नई डिशेज भी आई हैं और भरपूर आई हैं डिशेज। तो मेरे ख्याल से लोकेशन एक दफा फिर से बताते हैं, लकी मन मॉल से थोड़ा सा आगे आते हैं, अब्दुल्ला सेंटर है मेन, जो गाड़ियों वगैरह की काफी दुकानें बनी हुई है मशहूर है, वहीं पर आपको देसी फूड्स के नाम से इनका दूसरी ब्रांच गली के अंदर है, ये मेन रोड पर है। और यहाँ पर फैमिली की सिटिंग के लिए बड़ा अच्छा बनाया, पहले लोग कहते थे भाई फैमिली की सिटिंग के लिए कोई अच्छा एरिया नहीं, तो ये बड़ा अच्छा छोटा सा एम्बियंस बनाया है, आराम से आकर बैठे खाना खाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।